श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बर नौ रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मम हरो कले सिरकार ए कैसे भैया ए जी तो ये सिंह वाहिनिया बिका और मैया सुन भगतन की होटे ओ मात मेरी पल पल होई ये कथा भागवत से ली गई उत्तानपाद राजा की जिसके कोई संतान नहीं थी चौथापन आ गया। एक दिन महल में रानी सुनीति राजा उत्तानपाद से कहने लगी कि हे प्राणनाथ ये राजपाट निर्वंश जा रहा है सूना जा रहा है इसका कोई अधिकारी नहीं आपसे मेरी विनती है कि आप दूसरी शादी रचा लो जिससे रानी आ सके और इस राज का कोई अधिकारी बन सके। भैया सज्जन राजा उत्तानपाद रानी को समझाता है मना करता है कि हे रानी तुझे मालूम नहीं इस घर में इस महल में जब दूसरी रानी आएगी तो तेरा क्या हाल होगा। काफी समझाने के बाद रानी हट पड़ जाती है नहीं मानती है। अपने प्राणनाथ उत्तानपाद की दूसरी शादी करवा देती है। दूसरी रानी सुरुचि आई उसको मालूम नहीं था कि इस महल में कौन है। जब उसको मालूम पड़ा तो सज्जनों किस तरह उस घर में कलेश पैदा होता है और क्या क्या नई रानी से बड़ी रानी कहने लगती है। ध्यान ए जीते
तो प्रिय सज्जनों, रानी सुनीति राजा से कैसे कहती है और क्या कहती है भैया? बता भैया। अरे कह रही सुनीति नारे ऐसा भर भर में, ओ दासी हो कर रही भरतारे अरज चरणन में, ये रे जन कई कर्म करो खोटो, ये न किसो भाग कतई ओटो, और दूसरा नहीं टोटो, पर होयो नहीं बाल के छोटो, कछु सोचो मन में, वो नहीं रे कोई सही
जब संसार जगत में सोच रहे नहीं छाली
कानपात की दूसरी शादी हो गई, नई रानी सुरुचि आ गई, महलों में बांधी थी उसको बुलवाती है और उससे कहने लगी कि हे दासी, हे बहन, ये जो महलों में रहती है ये कौन है? दासी ने कहा कि ये आपकी बड़ी सौत है। इस बात को सुनकर क्रोधित तो हो गई। उसको मालूम नहीं था कि मेरे इस महलों में मुझसे बड़ी सौत है। जय हो। सज्जनों, बांदी से कहा कि बांदी बहन, आप जाओ और महाराज को बुलाकर लाओ। बांदी महाराज को बुलवाकर महलों में लाती है। सज्जनों, नई रानी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं इस महल में नहीं रहूंगी, चाहे पीहर को चली जाऊंगी या बिछा कर मर जाऊंगी, लेकिन इस सौत के साजे कभी महल में नहीं रहूंगी भैया। सज्जनों, विचार करने की बात है कि उसी बड़ी रानी ने तो उसकी शादी करवाई थी और उसी को काटा हो गई। सज्जनों, राजा से कहने लगी। राजा ने विचार किया कि मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन रानी नहीं मानी। वो दोनों ही रानियों को अलग अलग महल बनवा दिया। दोनों रानी अलग अलग महलों में रहने लगी। नई रानी ने एक दिन राजा से कहा कि हे प्राणनाथ, आपको मेरी सौगंध है, आप कभी बड़ी रानी के महलों की ओर जाओगे तो नहीं। सज्जनों, राजा से जब मना कर दिया, वो राजा नई रानी के महलों में रहने लगा। इसी बीच में एक दिन राजा उत्तानपात वन में शिकार खेलने के लिए जाता है। जय हो भैया। वन में कोई शिकार नहीं मिली। शाम का समय हो गया, वापस अपने महलों में आने लगा। सज्जनों, जब महलों की ओर आया, रात्रि का समय था, नई रानी के महलों का दरवाजा बंद मिला। उसने विचार किया कि मैं बड़ी रानी के महलों की ओर चढ़ना चाहिए, उससे मिले काफी दिन हो गए, आज का ये मौका कभी दोबारा नहीं आएगा भैया। सज्जनों, इस विचार को करके राजा उत्तानपात रानी सुनीति के महलों में चल देता है। रानी के महलों में जाकर रात भर वो वहां विश्राम करता है और सुबह प्रात हो तो जल्दी नई रानी के महलों में आ जाता है भैया। सज्जनों, इस बात का पता नई रानी को नहीं था। उस बड़ी रानी के भाग्य की बात, वो उसी समय गर्भवती हो जाती है। तो देखो, आगे कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे कि बड़ी रानी के जो कुंवर पैदा हुआ था उसका नाम धूजी था, और जो नई रानी के कुंवर पैदा होगा उसका नाम उत्तम था। ये केदारलाल जी बताएंगे। सज्जनों,
नई रानी राजा से क्या कहती है भी है राम अवतार बता भैया। ओ अरे सैया तुम्हारे चरणों में कैसे, अरे राजा तुम्हारे चरणों में दासी की है ये पुकार। और क्या हुआ? ओ रानी पुरानी से, अरे रानी पुरानी से जो
काबूल अरे अब गुण कूदविया दूसरी हाथन से काटा बोया अरे अब गुण कूदविया दूसरी हाथन से काटा बोया अरे अब गुण कूदविया दूसरी हाथन से काटा बोया ये रो सुनी की मार बहे जल धार धन्य मेरे कोई नहीं है छोटी रानी गर्भवती हो गई है देखर होयो युदास सोचे चलो सुने थी पाया अरे बोकी पलट गई राजा की सोच समझ कर मन में और रात रात पे गयो पुराने